प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क की सुविधा से जोड़ने के दावे तो जरूर करती आ रही है, लेकिन हमीरपुर जिला में ये विफल साबित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव बल सड़क सुविधा से ना होने का दंश वर्षों से झेल रहा है। हालत यह है कि गांव में बीमार व्यक्ति को कंधे या चारपाई पर लिटाकर मुख्य सड़क तक पहुँचाना पड़ता है। अभी ताजा मामले में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा चारपाई पर डालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। वहीं कच्ची सड़क को पक्का करवाने के लिए पंचायत प्रधान के नकारात्मक रवैये के चलते काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब ग्रामीणों के दिनचर्या भी नरक जैसी बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बल के वार्ड नंबर 2 के लिए कच्ची सड़क तो बनाई गई थी, लेकिन बरसात के कारण सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रदेश की जयराम सरकार से गांव के लिए पक्की सड़क सुविधा मुहैया करवाने की मांग की। यहां पे रास्ता ही नहीं है जी, सड़क सारी मिट्टी से भरी हुई है। बना रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं, पता नहीं बोल रहे हैं बजट नहीं आया है, क्या नहीं आया है। और मैं पशुपालन विभाग में कर्मचारी हूँ, पिछले कई सालों से यह परेशानी झेल रहा हूँ। कई बार तो मैं अपनी ड्यूटी पे भी समय पे नहीं पहुँच पाता हूँ इस मिट्टी और नाले की वजह से। अगर बीमार हो जाए तो क्या कैसे पहुँचाते हैं सड़क तक? कंधों पे रखते जी, यहाँ पे ना तो कुछ आ सकता है। इस स्थिति में आपने देखा ही होगी हमारी सड़क इस वक्त कैसी है, यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल आ सकता है, ना तो आदमी के चलने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि मिट्टी जगह जगह फिसलन पैदा कर रही है। क्या मांग रहेगी आपकी जी सरकार से? रास्ता, कम से कम घर पहुंचने तक के लिए रास्ता मिल जाए। स्थानीय निवासी निर्मला देवी बीना देवी ने बताया कि सड़क सुविधा ना होने से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक समस्या पेश आती है, उन्हें पैदल चलने या चारपाई पर उठाकर ही मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से सड़क सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। आज बड़ी समस्या आई, आड़े रस्ते खराब, बुरा हाल, बरसाती जाना मुश्किल, बीमार समार पई है ता मुश्किल, आदमी चक्की ने रहना पाउंदा मंजे पर को किंजा, यहां जब पूछ जाना आना मुश्किल है, क्या कर सकते हैं? ये हाड़ा काम होना चाहिए ना। पंचायत को बताया कभी, क्या बोलते हैं? पंचायत सुना ही नहीं करती, तो क्या करना तेना जा आउंदा ही नहीं। हमारा बल गांव है वार्ड नंबर 2, इसमें बहुत सारी समस्या है। हमारी सड़क अच्छी नहीं है, इसमें हमारा रास्ता अच्छा नहीं है, हमें जाने आने की बहुत मुश्किल है, और हम बीमार आदमी हैं, इसलिए हमारी सड़क का निर्माण जो जल्दी से जल्दी किया जाए। एक दिन पहले यहाँ पे कोई बीमार भी हुई तो कैसे पहुँचाया उनको? उनको चार पाई के ऊपर पहुँचाया गया। पंचायत को बताते हैं, क्या बोलना होता है उनका? उनका बोलना होता कि काम करेंगे करेंगे, अब काम करते नहीं है। क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से ही मांग है हमारी कि हमारी सड़क को जल्दी से जल्दी अच्छा किया जाए, और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं रास्ते में नाला पड़ता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, पानी आता है, हमारे बच्चे आने जाने से बहुत रहते हैं, वो आ जा नहीं सकते हैं, और हमें भी बहुत मुश्किल है। बुजुर्ग पृथ्वीचंद ने बताया कि कच्चा रास्ता होने से हर समय समस्या पेश आती है। कुछ दिन पहले रास्ते में गिरकर उनकी बाजू भी टूट गई थी। उन्होंने बताया कि पंचायत के प्रतिनिधि भी बजट होने के बावजूद काम नहीं करवा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी रोष है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ग्राम पंचायत बल में वार्ड नंबर 2 में हमें इतनी समस्या है कि पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने JBC खराई थी, उसके बाद जो अच्छा रास्ता था वो भी खराब हो गया। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत है और इतनी परेशानी है कि पिछले महीने तो 2 महीने पहले मैं गिर गया रास्ते में, मेरा हाथ भी अभी तक भी बंधा हुआ है। ऐसी रस्ते की इतनी समस्या है। एक हमारे गांव में हमारी वार्ड में ये कैंसर का मरीज है बेचारा, कल वो चारपाई पे बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी तक पहुँचाया, 4 आदमियों ने, बड़ी मुश्किल आया हमें रास्ते की। और पंचायत के पास पैसे आए को काफी दिन हुए लेकिन लग नहीं रहा पैसा, कोई काम नहीं हो रहा। पंचायत में ऐसे ही इधर उधर कर रहा है, खेत कूद बनवा रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। क्या मांग रही थी? मांग ये है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा ये रास्ता जो पक्का होना चाहिए, हमें मतलब इस दिक्कत से थोड़ी मुश्किल से हल हो जाए हमारी, यही हमारी समस्या है। नन्हे बच्चे आदित्य ने बताया कि कच्ची सड़क के टूटे और गड्ढे पड़े होने से हर समय समस्या होती है।
वहीं रास्ते के बीच में नाले में भी डर लगता है। उन्होंने कहा कि स्कूल आने जाने में भी काफी परेशानी होती है। बीमार है यहाँ पे, कच्ची सड़क है और यहाँ पे हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत दिक्कत होती है और यहाँ पे जाना हमें मुश्किल है। ऐसा डर लगता है कि हम गिर ना जाएं कहीं। रिक्वेस्ट है ये सड़क बना जल्द से जल्द बनवा दें। इस मुद्दे पर खंड विकास अधिकारी हमीरपुर अस्मिता ठाकुर का कहना है कि ग्राम पंचायत बल के तहत आने वाले वार्ड नंबर 2 के कच्चे रास्ते के लिए बजट का प्रावधान हो चुका है, बरसात के मौसम के चलते काम शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है और बरसात के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा ताकि ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जा सके। जो जिस गाँव की आप बात कर रहे हैं वहाँ के लिए जो है वो फोर्टेड फाइनेंस कमीशन से 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मनरेगा कन्वर्जेंस में जो है उसके लिए सैंक्शन हो चुका है। लोगों की डिमांड थी तो जैसे ही मेरे पास लोग आए हमने उसका प्रोविजन कर दिया है और बहुत जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। अभी तो हम लोग अगर ये बोलें कि हफ्ते या 10 दिन में शुरू कर दें तो बारिश की वजह से वो हम नहीं कर पाएंगे, पर हमारे पास जो है वो SDO से भी सैंक्शन होकर के वो आ चुका है तो जैसे ही मौसम ठीक होते हैं हम काम वहाँ पे शुरू कर देंगे।